नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीवीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रही है कलर्स टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन की, जिसका एक नया प्रोमो सामने आ रहा है। और उस प्रोमो को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर ध्वनि की चाल कामयाब हो चुकी है। शादी के मंडप पर स्वरा को जान से मारने के लिए उसके जूस में जहर मिलाना कोई छोटी और आम बात तो है नहीं, लेकिन बात यहाँ ध्वनि के सपनों की है जिसे वो पूरा करना चाहती है। बात यहाँ स्वरा के सुहाग को छीनने की है, जिसे छीनने के लिए ध्वनि ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि शादी के मंडप पर स्वरा को जूस देने के बहाने उसमें जहर मिला दिया। और गलती से यहाँ पर वेदांत को जो है ना, वहाँ पर मंडप में थोड़ी सफोकेशन हो जाने लगती है। और उसी दौरान हमारी स्वरा, जिसके लिए ध्वनि जूस लेकर आई थी, तो स्वरा जो है उस जूस को खुद ना पीकर वेदांत को पिला देती है, जिसको देखने के बाद हमारी ध्वनि की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसे ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ पर सबको जो है ना इल्ज़ाम सब लोग लगाएंगे तो स्वरा पर लगाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी संपन्न होने के कगार पर होती है, जब वेदांत और स्वरा साथ फेरे ले रहे होते हैं, कि तभी हमारा वेदांत मंडप पर बेहोश होकर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है, कि तभी बुआ जी यहाँ पर इल्जाम लगाती है स्वरा पर कि इस जहर इसे जो है जहर दिया गया है, और इसे जूस वाला जहर वाला जूस जो है ना वो किसी और ने नहीं स्वरा ने दिया है, स्वरा ने हमारे वेदांत को जो है जान से मारने की कोशिश की है। फिर क्या, यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, शादी जो है रुक जाती है, चाहे वो नैना की हो या फिर स्वरा की हो, दोनों ही शादी रुक जाती है। पुलिस आती है और पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आती है, और यहाँ पर पुलिस जो है वो स्वरा को गिरफ्तार करके ले जाती है। स्वरा जो कुछ बोल नहीं सकती है, लेकिन अपनी बात समझाने की कोशिश जरूर कर रही है कि वो जो है बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया है, वो वेदांत जी को ऐसा कभी नहीं नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी तरफ स्वरा को वेदांत की काफी ज्यादा चिंता भी सता रही है, और इधर जो है डॉक्टर के पास लेकर गया, सभी लोग गए हुए हैं वेदांत को, हालत काफी खराब है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, जिससे कि वेदांत और स्वरा का महामिलन होगा, और क्या ध्वनि की चाल सच में सब लोग समझ पाएंगे, उसकी सच्चाई सबके सामने आ पाएगी। क्या कहना है आपका इस आगे आने वाली ट्रैक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वेदांत लास्ट मोमेंट पर स्वरा को बचा ले और उससे शादी कर ले। गाइस देखते हैं आगे और क्या क्या